हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिस पर मैंने आपको 7 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं, जिस पर मैंने एथिल ब्रोमाइड और उसके भौतिक व रासायनिक गुण एल्किल हाइलाइड को कंप्लीट कर दिया है आपको। क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वह फार्मूलों पर टिकी हुई है, तो मैं फार्मूले याद करने की भी आपको एक ट्रिक की 2 वीडियो दे चुका हूँ, जिस पर आपको उन वीडियो को देखते ही देखते 500 फार्मूले याद हो जाएंगे। आपको उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अभी तक उन वीडियोजों को आपने मिस कर दिया है, तो लिंक आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप उन वीडियोजों को वॉच कर सकते हैं। आज मैं आपको क्लोरोफार्म के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैं बताऊँगा किस प्रकार से लैब में बनाया जाता है, प्रयोगशाला विधि इसकी क्या है, इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, फिर इसके बाद दोस्तों आपको चित्र बनाकर समझा दूंगा किस प्रकार से इसको चित्र बनाकर सचित्र वर्णन करके यहाँ पे मैं क्लियरली आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, एक भी स्किप मत करना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे लगा लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, जब क्लोरोफार्म का निर्माण किया गया, तो क्लोरोफार्म बनाने के लिए दोस्तों एक गोल पेनी वाला फ्लास्क लिया गया। उस गोल पेनी वाले फ्लास्क में विरंजक चूर्ण का गाढ़ा घोल भर दिया गया। इसके बाद दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि यह गाढ़ा घोल कैसे होगा। जैसे कि लकड़ी का बुरादा होता है, वह एक प्रकार से रखा होता है, उसको गाढ़ा करने के लिए हम उसमें पानी मिलाएंगे। इसी प्रकार विरंजक चूर्ण का, जो विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो भी एक बुरादे के तरीके होता है, तो उसमें जल मिलाकर उसको गाढ़ा घोल बना लेंगे। इसके बाद उसको एक फ्लास्क में भर लेंगे, फिर उसमें एथिल एल्कोहल या एसीटोन डालेंगे, फिर उसको गर्म कर देंगे। ऐसा करने से क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको यह याद रखना है कि या तो आप एसीटोन डालेंगे या फिर आप एथिल अल्कोहल डालेंगे, दोनों चीजें आपस में नहीं डाल सकते। आपको क्या क्या लेना है, विरंजक चूर्ण का गाढ़ा घोल और एथिल अल्कोहल या फिर एसीटोन। तो यहाँ पर मैं आपको एसीटोन से कराने वाला हूँ, और एथिल अल्कोहल और एसीटोन दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ रिएक्शनें हैं। रिएक्शन ओनली चेंज होंगी दोस्तों, आपका चित्र वही रहेगा, आपकी थ्योरी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, ओनली रिएक्शन चेंज होगी। जहाँ पर हम एसीटोन लेंगे वहीं पे हमें एथिल अल्कोहल ले लेना है, बस इतना सा काम करना है। यदि वो वीडियो भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहले लेना है, तो यहाँ पर प्रयोगशाला विधि में लिख लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही परिभाषा लिख ली है, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म प्राप्त करने के लिए विरंजक चूर्ण के हम गाढ़े घोल में एथिल अल्कोहल या फिर एसीटोन मिलाकर गर्म कर देते हैं। ऐसा करने से क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन किस प्रकार से करनी है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। अब आपको इसके पहले पता होना चाहिए कि क्लोरोफार्म हमें प्राप्त करना है तो विरंजक चूर्ण लेना है और एथिल अल्कोहल या एसीटोन लेना है। तो हमें पहली बात विरंजक चूर्ण और एसीटोन यदि लेना है या एथिल अल्कोहल, तो इनका फार्मूला पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, फार्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो लिख लेना। तो विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है वह होता है CaOCl2। तो यहाँ पर मैंने विरंजक चूर्ण का फार्मूला लिख दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको लेना है कि इसको हमें गाढ़ा करना है, तो गाढ़ा करने के लिए हम एक बार इसमें जल मिला देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट चॉइस में क्या किया, इसको गाढ़ा किया हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे जब इसको गाढ़ा करूंगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, ये Cl2 बाहर कर देंगे, ये क्लोरीन बाहर कर देंगे, और चूना होता है जो चूने का बुझा चूना जिसको बोलते हैं, वो चूने का पानी इसमें मिलाया जाता है, तो वही यहाँ पे बाहर कर देंगे। तो CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझा हुआ चूना, और ये क्लोरीन जो गैस होती है वो मुक्त हो जाती है, तो इसे Cl2 को हम बाहर कर देंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट चॉइस की रिएक्शन। अब हमारा ये जो विरंजक चूर्ण है ये गाढ़ा हो चुका है। अब जब विरंजक चूर्ण गाढ़ा हो गया तो इसके बाद हमें सेकेंड चॉइस पे क्या लेना है, सेकेंड टर्म्स पे हमें लेना है
एसीटोन है, एसीटोन से आपको बता रहा हूँ, यदि आपके पेपर में आता है तो आप एसीटोन से भी कर सकते हैं, एथिल अल्कोहल से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक से करके आना है, दोनों से करके नहीं आना कि एथिल अल्कोहल से भी करा और एसीटोन से भी करके आ जाओ। तो एसीटोन से मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, तो एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COCH3, ये काहे का फार्मूला होता है दोस्तों एसीटोन का। ये सारे फार्मूले आप लिखते जाएंगे और ये हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर, ये होता है, इसके बाद ये जल होता है, ये बुझा हुआ चूना होता है, लिख लेना। फिर इसके बाद प्लस, अब हमारी जो Cl2 गैस क्लोरीन गैस मुक्त हुई थी वही हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर इसके बाद हमारी इससे रिएक्शन जब होगी तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम कर देना है, हम इस H3 को बाहर कर देते हैं, बाकी सारा कुछ उसी प्रकार से लिख देते हैं। तो यहाँ पर मुझे CCl3, आपको पता है कि जो क्लोरल होता है इसके बाद बनने के बाद जब हम एसीटोन और क्लोरीन मिलाते हैं तो हमारा क्लोरल प्राप्त होता है, और क्लोरल का जो फार्मूला होता है CCl3। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सी और इसके बाद इसमें तीन ले लिए मैंने, तो CCl3 और इसके बाद COCH3, तो यहाँ पे हो जाएगा COCH3। उम्मीद है दोस्तों इतना आपके समझ में आया होगा। इसके बाद ये 3H और 3 × 6 Cl हो गए, और यहाँ पर मैंने 3 Cl ले लिए हैं और 3 Cl बचे, 3H बचे, तो यहाँ पर मैं 3HCl बाहर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 3HCl को बाहर कर दिया है। अब थर्ड टर्म्स में जो रिएक्शन हमारी होने वाली है, तो हमने यहाँ पर पहली रिएक्शन पे निकाला था जब इसको हमने गाढ़ा किया था, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, तो एक बार में हमने क्लोरीन यूज कर लिया। इसके बाद में तीसरे टर्म्स में जो रिएक्शन होगी उस पर हम क्या यूज करेंगे, बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, CaOH और इंटू OH, दो बार OH हो गया, नहीं OH का होल टॉइज। इसके बाद हमने क्या निकाला है, क्लोरल, तो यहाँ पे हम क्लोरल ले लेंगे, तो CCl3COCH3, तो यहाँ पे मैंने क्लोरल ले लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्लोरल के भी दो अंश लेने होते हैं, कितने अंश लेने होते हैं दोस्तों, दो अंश लेने होते हैं, तो यहाँ पे भी मैं क्लोरल ले लेता हूँ CCl3COCH3। ये दो अंक क्यों लेने पड़ते हैं, आपसे बहुत भाइयों में से क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये दो अंक क्यों लेने पड़ते हैं, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। दोस्तों मैंने इसका आपको बेसिक नहीं बताया कि इसका अभार क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और बाद में समझा दूंगा। तो यहाँ पर हमें बनाना है CHCl3, तो हम करेंगे क्या दोस्तों, आप देख रहे हैं ये C है, इसको एक H की हो सकता है तब बनेगा CHCl3, तो हम इस H को ले लेंगे। ये मैंने इसी प्रकार तोड़ के क्यों लिखा था, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि तोड़ के मैंने इसीलिए लिखा था कि एक सी के साथ एक एच और एक सी के साथ एक एच। अब बात आपके समझ में आ रही है, कन्फ्यूजिंग हो रही होगी कि ये इसके दो अंक क्यों लिए गए हैं। तो जब हमने प्रयोगशाला में एक फ्लास्क में इसको भरा और इसके बाद बुझा हुआ चूना मिलाकर जब हम क्लोरल डालते हैं तो हमें दो क्लोरल के लेना पड़ता है, तभी जाकर हमारा क्लोरोफार्म जो है बनता है, अन्यथा हमारा क्लोरोफार्म नहीं बनता है। लैब में सारी की सारी रिएक्शनें हो चुकी हैं, बस हमको तरीका पता है, वही तरीका आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये सारी रिएक्शनें हो चुकी हैं, तो यहाँ पे हम ये वाला एच लेंगे, तो ये हो क्या जाएगा, देखिए दोस्तों CH, ये वाला H और ये वाला C, तो ये मिलके बन गया CH, ये देख सकते हैं दोस्तों ये हो गया CH। इसके बाद ये Cl3, तो यहाँ पे हो गया Cl3। इसके बाद मैंने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पर भी CHCl3 और यहाँ पर भी CHCl3 दो बार हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे दो लगा दिया, तो ये दोनों बार कवर हो गया। इसके बाद हमारे पास बचा क्या, वह आसानी से लिख लेते, तो हमने क्या देखा, हमारे पास यहाँ पे दो O बचे हैं और हमारे पास यहाँ पे भी दो CO बचे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दो C हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं CH3, क्योंकि हमारे पास दो CH3 बचे हुए हैं, तो हम इनको एक बार लिखेंगे CH3। फिर इसके बाद हमारे पास दो C बचे हुए हैं, तो हम लिख देंगे C। फिर इसके बाद हमारे पास चार O हैं, 1, 2, 3, 4 O हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर मैं दो O लिख दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पर होल टॉइज लगा दूंगा,
तो ये होल टॉइस लगाने से क्या होगा, CH3 दो थे तो CH3 2 हो गए, O4 हो गए, C2 हो गए। इसके बाद हमारे पास बचा क्या है, Ca कैल्शियम। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। ये फार्मूला आपको पता होगा कि ये फार्मूला काहे का होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यह आपका जो निकला था, ये निकला था ट्राई क्लोरो एसीटोन। यह क्या निकला था दोस्तों, ट्राई क्लोरो एसीटोन। इसके बाद दोस्तों फार्मूले सारे के सारे आप लिख लीजिए, एक कॉपी पर आपको फार्मूले सभी नोट कर लेने हैं। इसके बाद ये हमने देखा था क्लोरोफार्म हमारा इस प्रकार से बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बार बताया था कि ये CH3COO ये एसीटेट का फार्मूला होता है। अगर हम इधर सोडियम लगा देते हैं तो ये हो जाता है सोडियम एसीटेट, और यहाँ पर हमने कैल्शियम लगा दिया है तो ये हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। परंतु आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर जब हम सोडियम लगाते हैं तो सोडियम एसीटेट हो जाता है, परंतु यहाँ पर 2 वैलेंसी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वह 2 होती है, इसलिए हमें यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट के फार्मूले पर यहाँ पर 2 होल ट्वाइस में लगाना पड़ता है। ये हमारा फार्मूला है कैल्शियम एसीटेट। अब मेरे ख्याल से आपको सभी फार्मूले पता होंगे। ये तो मैंने वही लिया था ट्राई क्लोरो, ये 3 है इसलिए यहाँ पे ट्राई क्लोरो और एसीटोन का फार्मूला आप जानते हैं CH3COCH3, तो ये लास्ट में COCH3 है इसलिए ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो एसीटोन, और ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा, और आपका ये ब्लीचिंग पाउडर और ये जल क्लोरीन। सारे के सारे फार्मूले उम्मीद है आपको पता होंगे। तो ये थी दोस्तों बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसका सचित्र वर्णन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो इसके पहले मैं आपको चित्र बना लेता हूँ फिर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर भाइयों मैंने चित्र को बना लिया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चित्र पर ना जाएं, आप अपनी थ्योरी पर जाएं कि हमें क्या थ्योरी लिखनी है, इससे मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं इसे विधिवत चित्र को बनाऊँ। दोस्तों यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना है, मैं एक एक थ्योरी आपको समझा देता हूँ। जीवन भर आप थ्योरी नहीं भूल पाओगे, बस आप यहाँ पर मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए और चित्र सारा देख लीजिए। ये एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क है, एक मैंने कोई पात्र लिया है उस पर बालू भर दिया है, ये बालू उष्मक है, यहाँ पर ये मैंने बालू उष्मक भर दिया है इस पर और इसको उसी पर रख दिया है। यहाँ पर मैंने बर्नर रख दिया है, बर्नर से इसको रख जला दिया हूँ, गर्म करने लगा हूँ। यहाँ पर इस पर मैंने CaOCl2 का गाढ़ा घोल और एसीटोन CH3COCH3 इस पर भर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ चित्र के बारे में। पहले तो ये वाष्प संघनित्र है, इसका कार्य होता है जैसे ही यहाँ से वाष्प जाती है तो वाष्प को यह ठंडा करके और द्रव में बदल देता है और ग्राही पात्र में, ये ग्राही पात्र है हमारा, ग्राही पात्र में भेज देता है। तो सिंपल सी थ्योरी यहाँ पर आपको लिखनी होती है। तो दोस्तों क्या थ्योरी लिखनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर का गाढ़ा घोल और एसीटोन भर लेते हैं, उसे बालू उष्मक में रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से एसीटोन, सॉरी हम बना क्या रहे हैं, क्लोरोफार्म बना रहे हैं। जब इन चीज़ों से क्लोरोफार्म बनता है, क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3, तो ऐसा करने से क्लोरोफार्म की वाष्प मुक्त होती है। यह तीर जो बना है ये वाष्प के लिए है, क्लोरोफार्म की वाष्प मुक्त होती है जो वाष्प संघनित्र में पहुंचते ही द्रव ठंडा, वाष्प संघनित्र से ठंडा करके द्रव में बदल देता है और ग्राही पात्र में भेज देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये थ्योरी आपके समझ में आई होगी। मैं पुनः बता देता हूँ, आपको लिखना है एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर का गाढ़ा घोल और एसीटोन भरकर, अगर आप एथिल अल्कोहल से बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर और एथिल अल्कोहल भरकर, परंतु मैंने यहाँ पर आपको एसीटोन से सिखाया है तो आप एसीटोन से लिखेंगे, यदि आपको एथिल अल्कोहल से कर रहे हैं तो बात दूसरी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर का गाढ़ा घोल और एसीटोन लेकर बालू उष्मक में, दोस्तों देखो मैंने इसको रख लिया है, बालू उष्मक में रख कर एक बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्लोरोफार्म की वाष्प मुक्त होती है जो वाष्प संघनित्र में पहुँच कर
ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है या फिर वाष्प संघनित्र उसे ठंडा करके द्रव में बदल देता है और ग्राही पात्र में उसे एकत्रित कर लेते हैं। बस दोस्तों सिंपल सी थ्योरी यही आपको लिखनी है। कहाँ तक रटोगे यार, थ्योरी कभी मत रटो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताया था, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी संरचना सूत्र क्या होता है और इसका अवभार क्या होता है। तो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है, तो ये तो आपने देख लिया, जान ही गए कि इसका जो सूत्र होता है क्लोरोफार्म का, हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, इस चित्र का कार्य खत्म हो चुका है। तो ये होता है CHCl3। अब इसका जो अवभार होता है वह कितना होता है, तो यहाँ पर मैं आपको अवभार निकाल के बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों अवभार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन कार्बन देखेंगे, तो कार्बन का हम जानते हैं कि 12 होता है अवभार, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। फिर जब इसको छोड़ देंगे तो आगे बढ़ेंगे, तुरंत प्लस लगा देंगे, दूसरे वाली संख्या पर जैसे ही पहुँचेंगे दूसरे वाले एलिमेंट में तुरंत प्लस लगा देंगे। इसके बाद आप हाइड्रोजन का जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, तुरंत प्लस लगा देंगे। इसके बाद आप जानते हैं क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है, लेकिन इसमें 3 लगा है Cl3, तो 3 को पहले लिखेंगे और गुणा का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 35.5 कर देंगे। इसके बाद इन्हें आप जब ऐड करेंगे तो 12 × 1 = 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13, और प्लस में इसका आप मल्टीपल करा लेंगे तो 5 × 15 = 5 हासिल लगा, 5 × 15 = 16 हासिल लगा, 3 × 9 = 10, और हम देखेंगे कि 1.0 था, तो यहाँ पर हम 1.0 लगा देंगे। इसके बाद 106.5 और 13 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाने वाला है दोस्तों 6×3 = 9, यानी कि हो जाएगा 119.5। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जो इसका अवभार था वह आपने देखा कि 119.5 होता है। अब इसके बाद आप देखेंगे इसका संरचना सूत्र क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको संरचना सूत्र दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक सी है, तो सी को हम बीचों बीच लिख लेते हैं, तो सी में ये संरचना सूत्र है दोस्तों। इस चित्र से इसका कोई रिलेशन नहीं है, चित्र सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, बेसिक कंसेप्ट में मुझे इसके बारे में हल्का सा बताना था आपको, तो वही बता दे रहा हूँ कि इसका सूत्र ये होता है, इसका अवभार ये होता है। इसका संरचना सूत्र देख लेते हैं। तो इसका संरचना सूत्र अब सी एक था, तो मैंने सी को बीच में लिख दिया। फिर इसके बाद एच आता है, तो एच को मैं यहां पे लिख दूंगा। इसके बाद हमारे पास 3 Cl3 है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे 1 Cl लगा दूंगा, 1 Cl लगा दूंगा और यहाँ पे 1 Cl लगा दूंगा। ये हमारा संरचना सूत्र बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं था, मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं मिस हो गई थी बात, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इसको हम बनाते हैं, तो इसको मैं ब्लीचिंग पाउडर और एसीटोन मिलाकर रिएक्शनें करवाई, इसकी थ्योरी लिखी, फिर इसके बाद इसका चित्र बनाया, थ्योरी समझाया, इतना आपको करके आना है। यदि आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफार्म का अवभार कितना होता है, तो आप 119.5 करेंगे। इसका कोई पूछ लेता है कि संरचना सूत्र क्या होता है, तो आप इसको बताएंगे, इसका अणु सूत्र क्या होता है, तो आप इसको बताएंगे। मैंने बेसिक नॉलेज दे दिया। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली जो वीडियो आएगी उस पर मैं क्लोरोफार्म के भौतिक व रासायनिक गुण आपको समझाऊँगा। तो बस।